जिस तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा का जिक्र हमारे सभी पैनलिस्ट कर रहे हैं, श्री एम सर, मैं ये सवाल आपके पास लेकर आ रही हूँ, इस ऊर्जा से हम मोटिवेटेड रहें, इस भय से बाहर आएं, और जो कोविड के बाद के जो इफेक्ट्स हमारी पूरी सोसाइटी में इस वक्त आए हैं, उससे हम कैसे निकलें? पहले जैसा मैंने शुरू किया था बात, तो ये एक दो पॉइंट प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमने बहुत सारा थियोरी का बात कर चुके हैं, और ये योग आयुर्वेद एलोपैथी का ये झगड़ा बंद करके सब मिल के काम करने से ठीक होगा। अच्छा, तो मेरा परंपरा क्रिया योग है, और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब घर पे कोई अपने रिलेटिव्स, अपने ओन कोई मर जाते हैं, किसकी मौत हो जाती है, तो इतना जल्दी वो हील नहीं कर सकते, उसका जो जख्म होता है टाइम से ही हील हो सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मगर माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं आप, उसकी चिंता से निकाल के कोई, जैसा स्वामी जी ने कहा, भजन कीर्तन मेडिटेशन मंत्र जब इसमें ले जाके इसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं, बाकी समय काल ही इसको हील कर सकता है, उसको एक साइड में रखिए। अब इम्यूनिटी डेवलप करने से इसका इफेक्ट, ये महामारी का इफेक्ट कम होता है और वायरस एंटर करने में मुश्किल है। अब देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कभी मास्क पहनिए 100%, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उसका पूरा पालन कीजिए, एंटीसेप्टिक कर लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कर लीजिए, और जैसा स्वामी जी ने कहा सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग कर लीजिए, मगर मन को डिस्टेंस मत कीजिए। जब अपना एनर्जी दूसरों की सेवा में जाएगा तो इसका बहुत सारा प्रभाव होगा सारे संसार में, क्योंकि हम ये जानते हैं, हमारा अनुभव है कि एक ही परमात्मा है और हम सब उसके अंग हैं, अंश हैं, तो एक में जितना चेंज होता है वो सारे हर आदमी में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये मन की बात है। अच्छा, अब फिजिकली क्या करेंगे, इम्यूनिटी बूस्टर प्राणायाम है एकदम, तो जब आप डीप ब्रीथिंग करेंगे, बड़ा सिंपल प्राणायाम, जैसा आपने पहले भी पूछा बच्चों को क्या सिखा सकते हैं कि घर पे बैठ के क्या कर सकते हैं, मैं कहूँगा सुबह उठकर, आपको अगर कोविड आया नहीं आया, आने जा रहा है नहीं आएगा, इसको सब छोड़ दीजिए जी, समझिए कि मैं एक इम्यूनिटी बूस्टर का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं क्रिया पूरा आपको यहाँ नहीं दे सकता हूँ, मगर क्रिया का एक टेक्निक है डीप ब्रीथिंग, मतलब सांस को, देखिए मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, सांस को अच्छी तरह अंदर लीजिए, हाथ को ऊपर कीजिए, क्योंकि लंग्स यहाँ खुल जाते हैं, फिर थोड़ी देर तीन तक काउंट करके उसको अंदर रोक के रखिए कुंभक में, और फिर बाहर नीचे हाथ लाके छोड़िए। 10 बार कम से कम आप ये करेंगे जी, तो आपके लंग्स के अंदर के छोटे छोटे ब्रंकॉइल्स में पूरा ऑक्सीजन भर जाएगा, क्योंकि इफेक्ट होता है कि लंग्स में होता है मेनली, जैसे निमोनिया जैसे सिम्टम्स हो जाते हैं वायरस के। तो मैं ये आपको ये भी कहूँगा कि दूसरा टेक्निक जो हम भ्रमरी कहते हैं, इसे नाइट्रिक ऑक्साइड साइनस में और नॉस्ट्रिल में बन जाता है, वो है हाथ को सांस लेना और ओम का आखिरी शब्द जो माँ है वो, उसको उच्चारण करते हुए सांस को बाहर छोड़े, जैसा मैंने कोई डॉक्टर को मिला था, उन्होंने कहा अमेरिकन डॉक्टर कि इसको कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपने हमारे दर्शकों को ये प्रैक्टिकली करके दिखाया, तो कम से कम इसको लेकर एक अवेयरनेस जो लोग अभी घर बैठकर देख रहे हैं उन सब तक जरूर पहुंची होगी। और एक भाव जो मैं आप सबसे बातचीत करके समझ पाई कि कोविड की जो लड़ाई है वो सिर्फ भौतिक स्तर पर नहीं है कि आप डॉक्टरी इलाज ले रहे हैं, आप अस्पतालों में हैं, ये लड़ाई बहुत हद तक मानसिक भी है और आध्यात्मिक ऊर्जा से भी जुड़ी हुई है, तो हमें जरूरी है कि हम उस पहलू की तरफ भी ध्यान दें, और यही हमारा प्रयास भी था इस कार्यक्रम के जरिए ये संदेश आप तक पहुंचाने का। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, ये तमाम जानकारी और ज्ञान हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए आज तक।